अभी तैयारी कर रहा हूँ, फिर आपसे रेसिपी शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा, आज हम बनाएंगे कैनपीज, मेरी फेवरेट रेसिपी। हम बड़े हो रहे तो हमें कुकिंग स्किल्स सीखने चाहिए। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर मैं गृहस्थ बना तो भी कुकिंग स्किल्स काम आएंगे, अगर मैं ब्रह्मचारी बना तो भी कुकिंग स्किल्स काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कैनपीज का बॉक्स नासिक में इजीली अवेलेबल है। अगर आपके सिटी में ना मिले तो आप अपनी मम्मी को बोल के मैदे के बास्केट बना सकते हैं। पोहा बनाने के लिए तन और मन दोनों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। कैनपीज के बास्केट्स, सॉल्ट, टोमेटो केचप, ग्रीन चटनी, चिली पाउडर, बॉइल्ड आलू, टोमेटो और काकड़ी, चाट मसाला और होममेड सेव। मैं आज टॉपिंग बना रहा हूँ। पहले हम ले लेंगे कैनपीज। हम अभी लेंगे आलू। मैंने आलू में पहले से सॉल्ट डाल दी है। अब हम डालेंगे रेड चिली। अगर आपको तीखा पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे चाट मसाला। अब हम लेंगे चटनी। अब हम डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की जगह हम इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं। अब हम लेंगे सेव गार्निशिंग के लिए। अब हम बनाएंगे दूसरी टॉपिंग। उसके लिए हम डालेंगे टमाटर, काकड़ी, फिर हम डालेंगे सॉल्ट, फिर हम डालेंगे चिली पाउडर, फिर हम डालेंगे चाट मसाला, फिर हम डालेंगे ग्रीन चटनी। अब हम डालेंगे टोमेटो केचप। अब गार्निशिंग के लिए हम अभी सेव डालेंगे। इसमें आप आलू या स्प्राउट्स या कोई भी टॉपिंग ट्राई कर सकते हैं। अब ये खाने के लिए तैयार नहीं है। अब हम पहले इसका भोग लगाएंगे। याद रखिए, कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। चलिए भोग लगाते हैं। बहुत यम्मी बना है। आई होप आप इसे भी ट्राई करें और आपको पसंद आए। हरे कृष्णा।